बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता जॉन अब्राहम बाटला हाउस मूवी की शूटिंग करने लखनऊ पहुंच चुके हैं। हजरतगंज के दक्षिणी मुखी हनुमान मंदिर के बगल में बनी मल्टी लेवल पार्क में शूटिंग चल रही है, जहां बड़ी संख्या में फैन शूटिंग देखने पहुंचे। भीड़ जमा होने के कारण कई लोगों से शूटिंग में तैनात सुरक्षा कर्मियों से धक्का मुक्की भी हुई। काफी संख्या में मौके पर पहुंचकर पुलिस ने मामला शांत कराया। इस दौरान एसएसपी लखनऊ कलानिधि नैथानी ने सिने जगत के फिल्म स्टार जॉन अब्राहम के साथ मिलकर लखनऊ वासियों को रोड सेफ्टी एवं ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने के लिए अपील भी की। फिल्म स्टार जॉन अब्राहम ने लखनऊ पुलिस के सहयोग और सपोर्ट के लिए तहे दिल से धन्यवाद भी किया। साथ ही लखनऊ वासियों से जॉन ने अपील भी की, जब भी आप ड्राइविंग करें तो सीट बेल्ट अवश्य लगाएं और जब भी आप बाइक चलाएं तो हेलमेट भी अवश्य पहने। जॉन ने यंगस्टर्स को तो खास तौर पर यह सलाह दी कि अगर आप कूल दिखना चाहते हैं तो सीट बेल्ट और हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें। एसएसपी लखनऊ कलानिधि नैथानी ने जॉन अब्राहम को लखनऊ आगमन और लखनऊ के लोगों के लिए खूबसूरत संदेश देने के लिए धन्यवाद व शुभकामनाएं दी। प्लीज वेयर अ हेलमेट, और जितने सारे यंगस्टर्स, अगर आपको बहुत कूल बनना है, आपको तेज चलाना है, तो हेलमेट पहन के चलाइए, जैसे मैंने पहन के चलाया था धूप में। एंड इफ यू वांट टू इंप्रेस समबडी, स्लो डाउन, टेक योर हेलमेट ऑफ, सिंपल। मैं कलानिधि नैथानी, एसएसपी लखनऊ, सबसे अपील करता हूँ कि जो जॉन सन ने आपको कहा है इसको फॉलो करें, डू फॉलो दिस थिंग्स। थैंक यू। लखनऊ से शहनवाज खान के साथ दिनेश यादव की रिपोर्ट। पूरा मामला बदायूं जिले के ब्लॉक क्षेत्र अंबियापुर की ग्राम पंचायत गढ़ौली का है, जहां ग्राम प्रधान का कोरा चिट्ठा ग्रामीणों ने खोला है। गांव गढ़ौली के ग्राम प्रधान का रिश्वत लेने का मामला सामने आया है, जहां लाभार्थियों ने प्रधान पर गंभीर आरोप लगाए कि आवास की पहली किस्त पर किसी से 20 तो किसी से 25,000 रुपए लिए हैं और कहा है यह रुपए अधिकारियों को जाएंगे, नहीं दोगे तो दूसरी किस्त नहीं आएगी। प्रधान की धमकी और किस्त न आने के डर से लाभार्थियों ने पैसे दे दिए। आरोप यह भी है, जब दूसरी किस्त लाभार्थियों के बैंक खाते में आई तो उसमें से किसी से 5 तो किसी से 10,000 रुपए अधिकारियों के नाम पर ले लिए गए। ना देने पर सारा रुपया रिकवरी कराकर सरकारी केस कराने की धमकी कर लाभार्थियों से पैसे हड़प लिए। लाभार्थियों ने इसकी शिकायत अधिकारियों से की, लेकिन अधिकारियों द्वारा जांच भी की गई, लेकिन लाभार्थियों का आरोप है कि हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं किया गया। ग्राम पंचायत सदस्य ने बताया कि लाभार्थियों द्वारा जो आरोप प्रधान पर लगाए जा रहे हैं वे सत्य हैं। इस संबंध में ग्राम प्रधान से भी बात की गई, उन्होंने कहा कि मुझ पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वे निराधार हैं। लाभार्थियों के खाते में डायरेक्ट पैसा शासन से आता है और सभी लाभार्थियों के आवास पूर्ण बन चुके हैं, चुनावी रंजिश की वजह से मुझ पर आरोप लगाए जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? संतोष। कौन सा गांव है ये? गढ़ौली। क्या मामला है आपका? आवास के चक्कर में मामला, प्रधान आवास पे पैसा आए 40,000 की किस्त, तो उन्होंने 20,000 रुपया ले लिए बैंक से बाहर आके और कहा किसी से मत कहना, ये सीडीओ साहब को जाएंगे और इसका माप नहीं दोगी तो हम आपका आवास वापस करवा देंगे। अच्छा, फिर? और दूसरी किस्त आने को कही थी 10,000 रुपया दो तो दूसरी किस्त लिखा रहेंगे। फिर बाकी बाद में हमने शिकायत करी वहाँ बदायूं जाके, उसमें कोई हमारी शिकायत का कोई सुनवाई नहीं भई। उन्होंने बैंक में 40,000 रुपया मिले, जब बोले कि पैसा नहीं देगा 20,000 रुपया तो किस्त तुम्हारी नहीं आ गई। कौन बोला? प्रधान जी ने। फिर? तो हमने बोले लाओ पैसा तो हमारे बहन ले ले बिना 20,000। 40,000 रुपये में से 20,000 रुपये आपसे ले लिए? हाँ। अच्छा, तो उन्होंने बोले कि तई दूसरे दफ़े आए तो बोले कि तुम किसी को मत बताना, तो हमने कि चलो नहीं बताएं किसी को। तई प्रधान जी आए तो फिर यहाँ घर में शिकायत भी करी, तो बोले कि तुम्हें का सब चीज़ फ्री आ जाए, लेटरिंग है, बाथरूम है और कलेक्शन है तुम्हारा फ्री, तो तुम कहा कि इधर उधर बात करती हो, हम चुपाएगा। इसकी कोई आपने शिकायत वगैरह की? हाँ हाँ। कोई सुनवाई हुई आपकी? ना। प्रधान का क्या नाम है? मुन्ना सिंह। आवास बनने के नाम पर आपने पहली किस्त पर 20,000 रुपए लिए और जो दूसरी किस्त निकाली गई है उस पर आपने 5 या 10,000 रुपए लिए गए हैं, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये ना पुरानी रंजिश है, ऐसी कोई बात नहीं है, हमने कोई किसी से पैसा नहीं लिया। लाभार्थी के खाते में पैसा जाता है और जो है जब लाभार्थी के खाते में पैसा जाता है तो हमें दे ही कौन देगा। अगर ऐसी अगर बात है कोई तो हमारी जांच की जाए, हमने कोई किसी से पैसा नहीं लिया और जो लोगों ने कहा है वो हमारी उनसे पुरानी रंजिश है, इलेक्शन में वो खड़े हुए हैं हमारे मुकाबले पे और जो है साहब ये सारी चीज़ें हैं वो बिल्कुल गलत हैं और जो भी मतलब जो हमारे गाँव में जो भी आवास बना हुआ है वो आज तक एक भी अधूरा नहीं है, सब पे छत पड़ी हुई है,
सारे काम बिल्कुल सही हैं और मैंने जो भी कार्य कराए हैं वो मतलब गांव में सही ढंग से विकास कराया है और हमारे गांव में करीब बहुत लैट्रीनें बनी हैं। लैट्रीनों में कोई ये नहीं बता सकता कि प्रधान ने कोई पैसा लिया। जो आपने रुपया लिया है वो डरा धमका कर लिया है कि आप अगर रुपया नहीं देते हैं तो आपकी मैं रिकवरी करा दूंगा और आप पर झूठा केस लगवा दूंगा, तो ये पूरा क्या मामला है? ये सारी चीज़ें गलत हैं। अगर ऐसा होता तो वो मतलब जो लेंटर नहीं डलवाते, लेंटर नहीं पड़ता। अगर ये मैं अगर पैसा ले लेता तो वो लेंटर नहीं पड़ता और लेंटर के समय पर ही शिकायत करता आदमी, तो लेंटर पड़ ही नहीं पाता। तो ये सारी चीज़ें ये खिलाफत की बात है। जैतीपुर कस्बे में थाने के ठीक सामने मात्र 50 कदम की दूरी पर बीती रात अज्ञात चोरों ने दुकान का ताला तोड़कर नकदी सहित हजारों का सामान चोरी कर लिया। सूचना पर पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया। कस्बे के कृष्ण कुमार ने पुलिस को दी तहरीर में बताया, बीती रात वह दुकान बंद कर अपने गोदाम में सोने चला गया था। इसी दौरान रात करीब 1 बजे अज्ञात चोरों ने उसकी कन्फेक्शनरी की दुकान का ताला तोड़कर रैक में रखे 10,000 रुपए व कन्फेक्शनरी का सारा सामान चोरी कर ले गए। तहरीर में बताया कि सबसे पहले चोरों ने उसकी दुकान के बाहर लगा हुआ बल्ब खोला, उसके बाद शटर में लगा हुआ ताला तोड़कर फिर घटना को अंजाम दिया। रात करीब 3 बजे आंख खुली तो दुकान का शटर उठा हुआ था, उसे खोलकर देखा तो रुपए और सामान गायब था। जैतीपुर से रमेश चंद गुप्ता व राकेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। यूपी के मैनपुरी में उस समय सनसनी फैल गई जब 22 वर्षीय युवती का शव थाना किशनी क्षेत्र के एक चरागाह में पड़ा मिला। पूरा मामला मैनपुरी के थाना किशनी क्षेत्र के ग्राम हरचंदपुर के चरागाह का है, जहां एक 22 वर्षीय युवती का शव और उसके कपड़े पड़े मिले। युवती के शव की खबर से आसपास के ग्रामीणों का जमावड़ लग गया, परंतु युवती की पहचान नहीं हो सकी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के मुताबिक युवती की हत्या कर शव को यहां डाल दिया गया है, यह कहीं अन्य स्थान की रहने वाली प्रतीत हो रही है। युवती के पास से उसका बैग व कपड़े भी पड़े मिले। मैनपुरी से अवनीश शाक्य की रिपोर्ट।